छोड़ेंगे आशीष कयाल। देखिए ओवरऑल आज का जो रुझान है और कल का जो निफ्टी पे मूव आया जैसे एक्सपेक्टेड था, हमने बात भी की थी दो दिन पहले कि नॉर्मली पूर्णिमा पे हमें दबाव देखने मिलता है और वो देखने को मिला कल के दिन में, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर 15,950 निफ्टी ब्रेक करेगा तो सेलिंग प्रेशर बन सकता है। इसलिए मैं फिलहाल तो खाली एक ही ट्रेड जोड़ना चाहूंगा, वो है लक्स इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर बाय की राय होगी, वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हुए हैं, ओवरऑल कंसोलिडेशन में है। स्टॉक ने पिछला जो राइस था उसका 61.8% रिट्रेस किया और यहाँ से वापस बाउंस बैक लगाने की तैयारी कर रहा है ऐसा लगता है, तो अच्छा मोमेंटम बन सकता है लक्स इंडस्ट्रीज में। स्टॉप लॉस 1778 का होगा और टारगेट 2016 का। बिल्कुल हर्षदा, क्योंकि देखिए बाजार में दबाव बना हुआ है और अभी बाय देना एक और थोड़ा रिस्की होगा, तो थोड़ा वेट करके देखा जाएगा। 12-12:30 बजे के बाद में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक कॉल ऐड करेंगे। पोजीशन में आशीष कयाल कल तक थे 6.5% के रिटर्न्स के साथ, वही है 6.27% तक के रिटर्न्स। विकास सालों के 2.15% के रिटर्न्स, लेकिन प्रशांत जो -2.5%